ओम हनुमते नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पूर्णमासी से संबंधित जानकारी दूंगा, साथ ही आपको कुछ महा उपाय भी बताऊंगा और राशियों की जानकारी भी दूंगा। इस दिन कौन कौन सी राशियां बेहद ही भाग्यशाली और लकी रहने वाली हैं। पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन स्नान करते समय गंगाजल डाल करके, क्योंकि इस दिन वैशाख स्नान भी है, तो गंगाजल डाल करके आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको भगवान विष्णु का पूजन करना है। घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति हो तो आपको सबसे पहले उनको स्नान का जो जल होता है उसे घर में छिड़कना चाहिए और पति पत्नी दंपतियों को उसका पान भी करना चाहिए। उसके बाद में भगवान को वस्त्र पहनाएं, उनको आसन पर विराजमान करें, उनके सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद में आप भगवान विष्णु से निवेदन करें, अपनी जो भी आपकी इच्छा है वह आपको उनके सामने जरूर बोलनी चाहिए। इससे विशेष लाभ मिलता है। इस दिन भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करने चाहिए। तुलसी पत्र अर्पण करने से हर प्रकार की इच्छा पूरी हो जाती है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाता है, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण किए जाते हैं। शाम के समय भगवान विष्णु और शिव जी के सामने दीपक जलाना चाहिए। इस दिन दान पुण्य भी करना चाहिए। दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। पीपल वृक्ष पर पितरों के नाम से जल अर्पण करना चाहिए। इन सब पूजाओं को करने से हमारे कुंडली में योग बन जाते हैं, हमारे ऊपर कृपा बनी रहती है ग्रहण की। इस दिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए। गौ माता की पूजा करने से भी हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि, इनका प्रभाव बहुत ही अच्छा है। ये राशियां बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। इस दिन गौ माता का पूजन करने से भी बड़े कार्य सिद्ध होते हैं, बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। आटे का पेड़ा लेकर के रोटी पर गुड़ रख करके गौ माता को खिलाना चाहिए। इस दिन का योग बहुत ही अच्छा है। वैशाख का स्नान है। इस दिन वैशाख का स्नान शाही स्नान है, जिससे गंगा माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आप ये उपाय करें और वीडियो को शेयर करें।